हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे होममेड पंजीरी, जिसको जन्माष्टमी में उपवास के तौर पर यानी कि प्रसाद के तौर पर खाया जाता है। तो उसके लिए हम लेंगे एक नॉनस्टिक पैन या फिर कढ़ाई। उसमें मैंने 10 से 15 नंग आलमंड लिए हैं, आप अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। इसको मैंने हाफ स्पून घी के अंदर, सबसे पहले मैंने हाफ स्पून ही घी लिया है, उसके अंदर सारी चीज़ें मैं धीरे 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 रोस्ट करूँगी। तो आलमंड को हम रोस्ट करेंगे धीरे धीरे, और जैसे ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होता है, आपको थोड़ा सा लगेगा कि कलर चेंज हो गया है, इसको प्लेट में ले लीजिए। उसके बाद उसी घी के अंदर मैंने कैश्यू नट लिए है, यानी कि काजू, वो भी 8 से 10 नंग है, आप अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। उसको भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है घी के अंदर। टोटल मैंने हाफ स्पून घी लिया है, उसके बाद हम थोड़ा सा और हाफ स्पून लेंगे, तो टोटल 1 स्पून घी के अंदर ये सारी रेसिपी हम बनाएंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, ये धनिया है, धनिया के सीड्स है, ओरिएंडर सीड्स, इसको मैंने लिया है अराउंड 2.5 स्पून, आप अपने हिसाब से प्लस माइनस कीजिए। मैंने अराउंड थोड़ा सा ही बनाया है और वीडियो और जन्माष्टमी के प्रसाद के लिए, जिसको हम कान्हा जी को भोग लगाते हैं, और ये बहुत ही हेल्दी होती है। ये सारी इंग्रेडिएंट जो मैंने बनाया है प्रसाद के लिए, वो सारे हेल्दी होते हैं और वेट लॉस में बहुत हेल्प करते हैं। फिर मैंने लिया है फाइनल सीड, यानी कि सौंफ जिसे बोलते हैं, वो मैंने 1 बिग स्पून लिया है, उसको भी मैंने सेक लिया और अलग से निकाल लिया। उसके बाद मैंने उसी पैन के अंदर मखाने लिए हैं, उसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे, क्रंची हो जाए, थोड़े से ब्राउन हो जाए, तब तक एकदम से आपको हाथ से दबा के देखना पड़ेगा, एकदम से क्रंची हो जाएगा, क्योंकि जो मखाने होते हैं और ये सारे जो इंग्रेडिएंट है, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये पंजीरी प्रसाद में इसलिए खाई जाती है जिससे हमें विटामिन्स, न्यूट्रिशन मिले, हमारे विटामिन्स मिले बॉडी को, और एनर्जी मिले। ये वेट लॉस में बहुत 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 अच्छा है। पूरी रेसिपी देखनी है और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मिनिमम 3% के साथ उसको शेयर कीजिए, ताकि सारे लोग घर पे बनाए, अच्छा वाली चीज़ें बनाए और आप सब खा सकें घर के अंदर, बच्चे से बड़े सबको ये पसंद आता है। फिर मैंने लिया है उसके अंदर कोकोनट, जो ग्रेट किया हुआ जो कोकोनट आता है वो लिया है मैंने, उसको भी हम ग्रेट कर लेंगे, और जिसका जितना भी घी है उतना ही हमें लेना है, सबसे पहले हाफ स्पून, उसके बाद भी हाफ स्पून आगे हम लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने टोटल 1 स्पून घी के अंदर बनाया है, और ये जो है हम रोस्ट करते रहेंगे, धीरे 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 रोस्ट करते रहेंगे, और जैसे ही उसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है आपको लगेगा, तो गैस को बंद कर दीजिए और उसके अंदर ही आप थोड़े से सेकते रहिए। तो ये देख सकते हैं सारे जो इंग्रेडिएंट है वो मैंने सेक लिए है, मखाना है, कैश्यू नट है, आलमंड है, ग्रेट किया हुआ कोकोनट है, और जो हमारा दूसरा वाला जो इंग्रेडिएंट है वो है धनिया एंड सौंफ एंड कोरिएंडर एंड फेनल सीड, उसको भी मैंने अच्छे से सेक लिया है। आप देख सकते हैं उसका कलर बहुत अच्छा सा चेंज हो गया है, और ये अच्छे से सेक गए हैं, बहुत अच्छी इसकी स्मेल आ रही है। तो मैंने क्या किया, उसके बाद ये सारे इंग्रेडिएंट जो ठंडे होते हैं, एकदम से ठंडे हो जाए रूम टेम्परेचर पर, उसके बाद हम उसको अलग अलग से पीस लेंगे। तो चलिए आइए उसको पीसते हैं मिक्सर में या फिर ब्लेंडर में। तो मैंने सबसे पहले आलमंड, कैश्यू नट एंड मखाने जो है उसके पाउडर को चूरा बना दिया है मैंने, एकदम से उसका लोट नहीं बनाया है, थोड़ा सा क्रंची रखा है, क्योंकि घर पे मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है, मेरे किड्स है, उसको यही पसंद है। आप अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं, डजंट मैटर के कैसे आप करने हैं। उसके बाद मैंने धनिया एंड फेनल के सीड जो है, ओरिएंडर एंड फेनल के सीड, उसको भी अच्छे से पीस लिया है। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर बहुत ही अच्छा आया है, और बिलीव मी बाहर जैसा से भी अच्छा टेस्ट आता है। तो घर पे बनाना ज़रूर, ये वीडियो मैं जल्दी से पोस्ट करती हूँ, ताकि आप जन्माष्टमी सेलिब्रेशन से पहले इसको बना लें। उसके बाद मैंने लिया है जो खड़ी साकर आती है वो ली है, और डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि ग्रेटेड कोकोनट जो है उसको लिया है, उसको भी मैंने अच्छे से पीस लिया है, उसको भी हम प्लेट में निकालेंगे। तो इस तरह से दिखता है ये, और मैंने उसके अंदर खड़ी साकर का यूज़ किया है, शुगर का यूज़ मत करना, नहीं तो फिर अनहेल्दी हो जाएगा। और उसका जो मात्रा है थोड़ी सी कम रखना, बहुत मीठा नहीं बनाएंगे, कम मीठा तो हम खा सके 2-3 दिन, उसको स्टोर करके रखिए। ये 15 दिन भी चलता है घर पे बनाया हुआ, स्टोर करके रख सकते हैं आप, कभी भी उसको 2-3 स्पून खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मिल्क के अंदर गर्म करके भी खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है।
उसको मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए आइए अब पूरा देखते हैं कि कैसे मिक्स करने के बाद दिखता है, है ना। तो दिखता है ना बाजार जैसा ही पंजीरी का लुक आता है, और आप कोई खाएगा, आपके जो घर वाले हैं वो आप बनाएंगे और वो उसको चखाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, तो कोई नहीं बता सकेगा कि ये घर का है या बाहर का है। सेम वही बाजार का टेस्ट आएगा पंजीरी का, तो क्यों घर पे नहीं बनाने का। तो बनाइए घर पे और मेरे साथ अपना जो फीडबैक है वो शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।